कैथल विधानसभा क्षेत्र से सर्वहित पार्टी के उम्मीदवार जसवीर तंवर ने गुरुवार को मिनी सचिवालय में एसडीएम दफ्तर में नामांकन पत्र दाखिल किए। जसवीर तंवर अपने समर्थकों के साथ ट्रैक्टर पर नामांकन पत्र दाखिल करने आए थे। इस अवसर पर जसवीर तंवर ने दावा किया कि उनकी नवगठित पार्टी को लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। जसवीर तंवर ने कहा कि कांग्रेस को नकार कर जनता ने भाजपा को मौका दिया था, लेकिन भाजपा भी लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी है। आइए जरा जसवीर तंवर की यह बाइट सुन लेते हैं। आवेदन का तो समर्थन से कोई तो एक प्रक्रिया थी, लेकिन इससे पहले ही हम क्षेत्र में पूरा लोगों से मिल रहे हैं और समर्थन जबरदस्त मिल रहा है। जैसे हमारी नई पार्टी है और मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मुझे जितनी उम्मीद भी नहीं थी मैं उससे ज़्यादा समर्थन लोगों के बीच देख रहा हूँ और मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं लोग, प्रशंसा कर रहे हैं कि आप इस राजनीति के नए आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 15-20 दिन तक हमारी मेहनत इस पर देखते हैं हम कितना करते हैं, लेकिन मुझे इतना नज़र आ रहा है कि हम पिछले 6 महीने से जिस वोट प्रतिशत पे काम कर रहे हैं उसमें बहुत हद तक हम सफल हैं। 15 दिन के पुरुषार्थ से हम निश्चित रूप से जीते। जसवीर जी, आपके सामने जो पुरानी पार्टी है जिसने 10 साल हरियाणा पर इससे पहले राज किया, उससे लोगों ने परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी दी थी और आज भी इस 5 साल में कांग्रेस ने कोई ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग उन पर फिर दोबारा से विश्वास करें। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो उनकी नीतियां आर्थिक क्षेत्र हो या कोई भी अन्य क्षेत्र हो, उन सब क्षेत्रों में लोग परेशान हैं। मुख्यतः मैं किसान की आवाज़ बड़ी मजबूती से उठाता हूं। हर किसान, मजदूर, व्यापारी सभी इस सरकार की नीतियों से परेशान हैं। हाँ, ये समस्या है लोगों के बीच में जो देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं विकल्प नहीं है, तो सर्वहित पार्टी के विकल्प के रूप में लोगों के बीच जा रही है और मुझे लगता है कि इन दोनों पार्टियों से निराश लोग हमारा सहयोग चाहिए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम शुरू से ही जो ये बिरादरियों का समीकरण है, मैं इस राजनीतिक वातावरण में इन सब के खिलाफ मुद्दा और व्यक्ति विशेष होने चाहिए कि वो कैसा काम करते हैं। जो बिरादरियों का समीकरण है ये देश के लिए ठीक नहीं है राजनीति में। हाँ, ये है देश का राजनीतिक माहौल, लेकिन मुझे लगता नहीं जिस तरह से हम काम कर रहे हैं जो वोट हमारे साथ थे उन पर कोई भी इसका फर्क पड़ेगा। पास की बात, फिजूल के नारे लगाने की आदत है लोगों को। यहाँ के विधायक जी अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन मैं तो एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि यहाँ अगर लोगों को डेंगू हो जाए और प्लेटलेट्स की जरूरत पड़े तो उसको भी पड़ोसी शहर में जाना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति को। ना प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े हैं ना सरकारी स्तर पर, ना प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं ये सुविधा नहीं है। एक सामान्य सी चीज़ यहाँ नहीं है। तो मैं कहता हूँ इन लोगों को विकास की बात करते हुए सोचना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जब आप आगे बढ़ पाएंगे तभी विकास को आप मान्य मानेंगे। विकल्प पार्टियां निर्धारित नहीं करती हैं, विकल्प जनता निर्धारित करती है। पार्टियां तो अपनी मर्जी से अपने ही आदमी को विकल्प बना लेंगी, जनता को देखना है कि विकल्प कौन है। और हम जनता के बीच जा रहे हैं, हमें अपनी जनता पर पूरा भरोसा है, लोग हम पर भरोसा करें, विकल्प के रूप में लोग हमें चुने। सरकारी तंत्र को शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में इतना मजबूत करना चाहते हैं कि कोई सामान्य, ठीक है लोगों को लगता है पार्टी वैसे बना ली, लेकिन हम शिक्षा और स्वास्थ्य के तंत्र को सरकारी तंत्र में इतना मजबूत करना चाहते हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी जिला मुख्यालय पर यह सोचे कि ऐसा अस्पताल है कि मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा, और गरीब से गरीब आदमी भी किसी स्कूल में अपने बच्चों को लेकर जाए तो उसे लगेगा कि पैसे की कमी के कारण मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सर्वहित पार्टी के संबंध में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।